मान सिंह कैलाश जी, पूर्व मंत्री सुभाष चिमेरिया, हमारे प्रदेश महामंत्री शिकारी चरण जी, गंगानगर के अध्यक्ष किशोरी जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष पटोलिया जी और पूर्व हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन साहब अजीपाल जी, बहुत सारे हैं, मैं सबका नाम लूंगी, समय लगेगा। मैं आप लोग सबसे माफी चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बंधु जो मंच पे बैठे हैं, जो यहाँ नीचे इस तरफ बैठे, उस तरफ बैठे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक और दूसरा, यहाँ इतनी भारी संख्या में सब लोग यहाँ से लेके वहां तक, अगर मैं चश्मे भी पहन लूं तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है उसका अंत। इसको सबको जो बैठे हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आभार में आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी शहर में से निकल रही थी तो मैं वहां के सब व्यापारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों तरफ सब लोगों ने खड़े होकर फूलों की जो वर्षा की और जिस प्यार के साथ हम सबका स्वागत किया। करणपुर के अंदर जो एंट्री हुई उसको हम नहीं भूल सकते, आपके इस प्यार को नहीं भूल पाए। एक्चुअली मेरे से ये पूछो तो हम तो आपके इस प्यार के कायल हैं। आप ये प्यार देते रहते हो, इस प्यार के कर्जे में आपने हम लोगों को डुबो के रख दिया है। मैं मानती हूं कि आप हमको दौड़ाते रहो, काम करते रहेंगे। मैं तो समझती हूँ कि जिंदगी भर भी काम किया तो इस प्यार का पूरा कर्ज मैं नहीं उतार सकूंगी, और इसीलिए मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग सबको बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा प्यार दीजिए। इसी प्यार की वजह से कभी कभी जब मैं देखती हूँ कि क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है तो उसका बहुत ज्यादा दुख होता है। ये आज मेरे करीबन 10,000 किलोमीटर हो गए, मैं चलते चलते आप लोगों के पास पांचवें संभाग में आई हूँ, और मैं जब देखती हूँ तो आंख मीच के अगर खड़े हो जाओ तो ये मालूम नहीं पड़ता कि हम बीकानेर संभाग में हैं, अजमेर संभाग में हैं, कोटा संभाग में हैं या उदयपुर संभाग में। आवाज एक ही होती है, अरे साहब पानी का इंतजाम कर दो, हमको दूषित पानी मिल रहा है, कहीं फ्लोराइड का मिल रहा है तो कहीं केमिकल से दूषित मिल रहा है, कहीं बिचारों को इतना खारा मिल रहा है। ऐसी हालत हो गई है कि आंख बंद करके खड़े हो जाओ तो पांचों क्षेत्र के अंदर से आवाज एक ही निकलती है कि इतने साल हो गए, लोकतंत्र का जमाना आ गया राजस्थान के अंदर, परंतु हमारी ये हालत को, हमारी मूलभूत सुविधाओं को आज तक कोई नहीं दे पाया। हम लोगों को मीलों चढ़ना पड़ता अपने पानी के लिए, और हमको पानी अपने घर में इतने सालों बाद भी नहीं मिला। मैं माता बहने आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि इच्छा शक्ति की कमी है। अगर हम लोग चाहते हैं तो लोग जो सरकार चलाते हैं वो अगर आप लोगों के साथ बैठ के बात कर ले तो हर मुसीबत का समाधान निकाल सकते हैं। अभी मैं देख रही थी गंग नहर के पानी के सही ढंग से अगर फिल्टर किया ही जाए तो इस पूरे इलाके के अंदर दूषित पानी को साफ पानी करके हम लोग सबको पिला सकते हैं। ये भी है एक उपाय, परंतु 4.5 साल निकल गए, अभी तक किसी ने इसका इंतजाम नहीं किया। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैंने भी जब दौरा किया था, आपको याद है मई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी थी और हम लोगों ने पूरे इलाके का, नहरे इलाके का मैं दौरा किया था। एक साल बचा था हमारी सरकार के जाने का। उस समय मैं पंजाब भी गई थी, मैंने पंजाब से भी बात की थी, परंतु अगर मुझे समय मिल जाता तो फिल्टरेशन प्लांट का इंतजाम मैं कर देती ताकि ये स्थिति आप लोगों को नहीं होती। आने वाले समय के अंदर जब अपनी सरकार आती है तो ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम वो काम करके छोड़ेंगे ताकि लोगों को ऐसा दूषित पानी नहीं पीना पाए। इसके साथ साथ आपके नहरों का भी हम लोगों ने जायजा किया था। नहरों की हालत इतनी जर्जर थी कि नहरों के ऊपर अपन ने पैसे दे के उन नहरों को ठीक करने का काम भी किया था, और उसमें से जो सिल्टिंग का काम था वो बड़ी बड़ी मशीनें को खरीद के हमने वो सिल्टिंग का काम भी डिसिल्ट किया ताकि पहली दफा लोगों को तेल तक पानी पहुंचाने का काम ये पहली बार हुआ है, और उसका मुझे गर्व है कि हमने उनको पानी तक पहुंचा दिया।
यहां तक भी मुझे मालूम है कि लोग बहुत नाराज भी हुए मुझसे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, परंतु लोगों को भी मैंने छोटे बड़े से छोटे करा के और सब लोगों को वो पानी पहुंचाने का काम किया जिससे मुझे भी कुछ बहुत कुछ सुनना और देखना पड़ा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये इलाके के अंदर जो आज सुबह पढ़ने को हुआ अखबार में, हुसैने वाले का पानी जो जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, 36,000 क्यूसेक ऐसे ही खराब होकर चला गया। मैं समझती हूँ कि अगर ये जो हुसैने वाले से ORD से 45 RD की सफाई अगर हो जाती है तो सही तरीके से यहाँ भी पानी आराम से मिल सकता है, परंतु उसको करने के लिए थोड़ा सा सोच की जरूरत है, थोड़ा सा कोई काम की जरूरत है। ये भी मैं समझती हूँ कि ज्यादा खर्चा नहीं है, इस खर्चे को अपन वहन कर सकते हैं आराम से, सरकार के पास हमेशा पैसा होता है। ये तो आपको सुनने को पहली दफा मिला किसी भी प्रदेश के अंदर, जब आप लोगों ने हमको सरकार सौंपी और हमने जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी कि हमारा खजाना खाली है, हमारा खजाना खाली है, हम लोगों की हालत खराब है, आप लोग आगे जाओ, हमारा खजाना खाली है, स्थिति में हम लोगों को देखने को मिला। परंतु खजाना खाली होने के बाद भी जब आप लोगों ने हमको सरकार दी तो मुझे बताओ कि आपको कभी किसी चीज की कमी हुई, जब आपने मांगा आपको मिला कि नहीं मिला? बिजली की दूसरी बेसिक मुसीबत ये आप देख लीजिए, नहरी तंत्र पे 4.5 साल में कोई काम हुआ क्या? गंग नहर के ऊपर 40 दिन का क्लोजर लिया और 40 दिन के क्लोजर को लेने के बाद नहर बंद करवाई, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाया। सबने सोचा कि हमारे ये क्लोजर हो गया है तो हो सकता है कि हमारी सफाई और इंतजाम होगा, पर तो एक ईंट भी नहीं लगा है, यह हालत खराब है। बीबीएमबी के अंदर आप लोग सबको मालूम है कि बीबीएमबी के अंदर हम कब से लड़ रहे हैं कि हमारा एक आदमी वहां होना चाहिए। पंजाब का आदमी है, हरियाणा का आदमी है, परंतु राजस्थान का आदमी नहीं। पहली दफा हमको लगा कि कड़ी से कड़ी जुड़ गई, तो सरकार जयपुर के अंदर भी इनकी, सरकार दिल्ली के अंदर भी इनकी, तो बीबीएमबी में तो अपना आदमी आ जाएगा। परंतु वो छोड़ो, जो छोटा नीचे का जो अफसर होता है वो भी राजस्थान का इस साल रिटायर हो गया है, तो उस बोर्ड के अंदर तो राजस्थान का एक नाम मात्र भी आदमी नहीं है जो हमारी आवाज को वह उठा के कह सकता है कि हमारे गंगानगर और इस क्षेत्र के अंदर पानी का इंतजाम अच्छा और सही होना चाहिए। जो राजस्थान का पानी है वो राजस्थान को मिलना चाहिए, ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। रस्ते भर में देखते आ रही हूं, मुझे याद है कि दोनों काम है, गंगानगर वालों का काम था कि बड़ी बदबू आती है, हमारे शहर के अंदर से शुगर मिल को हटा के आप बाहर ले जाइए तो हमको सबको राहत मिल जाएगी। हमने महादेव नगर, मैं तो अभी से कहने लगी, हमने महादेव नगर के अंदर जमीन खरीदी और हमने वो जमीन खरीद के वहां शिलान्यास भी किया, पैसे का इंतजाम भी किया। मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मैंने फाइनेंशियल सैंक्शन के साथ साथ पैसा अलग से नहीं रखा हो, मैंने उसके लिए भी पैसा रखा। परंतु ये 4.5 साल गुजर गए, किसी ने इतना तक नहीं किया कि उस शुगर फैक्ट्री को वहां से लेके इधर तक ले आओ या काम कारा शुरू करवा दो, वहां पानी का इंतजाम करा दो ताकि गन्ने की खेती अच्छी तरह से चले और सही तरीके से फैक्ट्री नए तरह से चलने का काम हो, ये किसी ने आज तक किया नहीं है। 4.5 साल ऐसे ही निकल गए। अब किसान का भाई बैठे हैं, आपको सही बिजली मिल रही है? पीछे वालों से पूछ रही हूं मैं, मिली किसी को बिजली? नहीं मिली है। मैंने पता किया तो पता किया यही आवाज ये 5वें संपर्क में, और मुझे मालूम है कि 2 और संपर्क में जब जाऊंगी तो उसके अंदर भी मेरे को यही आवाज सुनने को मिलेगी। बिजली किसान की 3 या 4 घंटे और वो भी मुश्किल से जोरदार ट्रिपिंग के साथ, आपका जो ट्रांसफार्मर है अगर बिगड़ जाता है तो हम लोग के समय में 72 घंटे में मिल जाता था, याद है आपको? अब आप 2 महीने निकाल लो और रिश्वत नहीं दोगे तो वो आपका ट्रांसफार्मर आपके यहां वापिस आना नहीं, ये है स्थिति आज। हमारे ढाणियों के अंदर बल्ब नहीं जल रहे और कहते हैं कि हम गरीब का बहुत सोचते हैं, कौन से गरीब का सोचा है, किसके लिए काम किया है, मेरे को नाम अगर बता दे तो मैं समझती हूँ कि निहाल हो जाएंगे हम लोग सब। 4.5 साल के अंदर कोई भी काम नहीं किया है। बिजली का तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, महिलाओं को मैं ये बताना चाहती हूँ आप सब महिलाओं को कि जाते जाते मैंने घरेलू बिजली की अलग से लाइन जो राजस्थान में कभी नहीं हुआ था पहली दफा आप लोगों के लिए करके दिया। जब मैं निकल के गई तो 18 घंटे से 20 घंटे बिजली गांव के अंदर आना शुरू हो गई थी। अब अगर रह जाती
तो आज तक आपको 24 घंटे बिजली जरूर मिलती है। और मैं आपको वादा करती हूँ कि सरकार आती है तो तुरंत ही आपके यहाँ घरेलू बिजली 24 घंटे आने का काम हम लोग करेंगे। सब गाँव वालों को और सब महिलाओं को मैंने कह के रख दिया है। तो आपके लोग जो बाहर जाते हैं थकते मानते हैं गर्मी में घूमते हैं, वापस आएंगे तो ठंडे घर पे वापस आएंगे। ये इंतजाम हमने करके रखा है जो हम कर सकते हैं ये दो काम। उसके साथ साथ चिकित्सा सेवा के अंदर मैं देख रही कि राजस्थान के अंदर तो हालत खराब है। मालूम नहीं माता कहने क्या हो गया, महिला डॉक्टर मेरे को कहीं भी नहीं मिली है। मैं जहां जा रही हूं मैंने वहां पूछा है कि महिला डॉक्टर है कि नहीं। आपके यहां है नहीं है, कहां चले गए भी समझ में नहीं आता। कहीं तो दिखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 5 डिवीजन के अंदर महिला डॉक्टर कहीं नहीं है। या तो मेरे को कोई सही नहीं बोल रहा है या वो है नहीं। आपके यहां नहीं है, मेरे को यह बता रहे हैं कि करणपुर अस्पताल में 11 स्थान और 4 ही डॉक्टर है। क्या यह सही है? खाली 4 डॉक्टर है और केसरी सिंहपुर में 6 के स्थान पर सिर्फ 2 है, ओनली 2। और जांच की सुविधा वो कहते हैं कि ना के बराबर है। जो भी छोटी मोटी जांचें हैं उनकी रिपोर्ट की प्राथमिकता प्रामाणिकता संदिग्ध है। अब संदिग्ध है तो जो रिपोर्टें आपके पास आती है ये जरूरी नहीं कि वो सही है। क्या है ये तो आपके अस्पताल की। और जयपुर में पढ़ो तो लिखते हैं कि मुफ्त दवाई मुफ्त जांच मिल गई आपको। और होगी कैसे जब डॉक्टर ही नहीं है तो कहां से कौन लिखेगा, वो कहां से मुफ्त जांच होगी, वो कहां से मुफ्त दवाई मिलेगी। अब मेरे को कहते हैं कि सब दूर मुफ्त मिल गई है, सब लोग बहुत खुश हैं। इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि 1 रुपए किलो के हिसाब से किसी को गेहूं मिला, मिला किसी को? उसमें से पहला किश्त उनको मिल गया तो बड़े खुश होके वो भागे भागे गए, अपना किश्त लिया, किश्त लेके दौड़ के अपने घर को कमरे को तोड़ने का काम कर दिया। तो कमरा तो टूट गया, फिर वो गए दौड़े दौड़े हमारा सेकेंड किश्त जरूर दे देना। उन लोगों ने कहा उनको ऐसा करके उनको टहलाते गए टहलाते गए, बरसात आई मकान टूटा हुआ तो पैसा तो ये गया और फिर जाके किराया भी देना पड़ा क्योंकि किसी के यहाँ किराया भी जाके रहे, तो दोनों तरफ से पिटे। आज तो ये स्थिति है। अब मुझे समझ में नहीं आता है आपने एक को दिया जब किश्त देना शुरू कर दिया तो दूसरा किश्त है तो देने में मुसीबत क्या है, उस गरीब को क्यों तरसाया इस तरीके से। पर ये कांग्रेस की आदत है। चिकित्सा सेवा की तो यह हालत है। अब सड़कों की हालत बताओ भाई साहब, ऐसी सड़क तो आप लोगों ने क्या वंडरफुल सड़कें बना के रखी है, उसके लिए तो आपको सबको दाद दूं। जहां जहां मैं गई हूं पूरे क्षेत्र के अंदर मुझे सड़कें ऐसी मिली है कि ज्यादा गड्ढा कम सड़क। और हमारी गाड़ी उसके ऊपर से मैंने ये तो बस है ये तो अच्छा है इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग चलती है तो इसलिए हम लोग यहां तक भी पहुंच पाए हैं। नहीं तो जो स्थिति है रोड की मैं तो समझती हूँ कि हम और हमारे बस को कहीं ना कहीं ढेर हो जाना चाहिए था। और मैं तो भगवान से कहती हूँ ऐसा हो क्योंकि अभी भी मेरे को 2 संभाग कंप्लीट करने हैं, मुझे मालूम नहीं कि उनके रास्ते की क्या हालत। इतना मैं जरूर कहूंगी कि लोगों का ये कहना था कि ये आगे आगे आपको ये ब्लैक टॉप दिखता है डामर दिखता है, ये तो आप डामर को एंजॉय करते चलना और पीछे पीछे ये उखड़ता जा रहा है और बरसात आएगी तो जो भी डामर लगा हुआ है ये सब डामर उखड़ जाएगा और आप लोगों को फिर से पैसा खर्च करके इन सड़कों को फिर से बनाना पड़ेगा। ये स्थिति तो आपके सड़क विभाग की और सड़कों की हालत। मैं कभी कभी पूछती हूँ आप लोग हनुमानगढ़ से किशनगढ़ के रास्ते पे जाते हो, कोई जाता है? हाईवे पे चलते हो कभी? और कभी चलते हो तो हमारी याद आती है, याद आती है ना, कभी कभी याद आती है कि भैया ऐसे भी कोई लोग थे जिन्होंने ऐसा भी कोई रास्ता बनाया जिसको 5 साल बाद भी हम लोग झेल पा रहे हैं। शिक्षा, ओहो शिक्षा मैं क्या बताऊं। अभी मैं देख रही थी आज मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, आपके यहां शिक्षा के समाजीकरण के नाम पर सबका पहली दफा स्कूल बंद हुए हैं। बड़े लोग स्कूल खोलते हैं पर यहां स्कूल बंद हुए हैं। और खेल या तो आप देखिए जहां बच्चे हैं वो कम वहां टीचर्स हैं ज्यादा, और जहां टीचर्स हैं कम ज्यादा वहां बच्चे हैं कम, बिल्कुल ही उल्टा मामला। और उसका नाम समाजीकरण तो कोई नहीं कर रहा है, समाजीकरण के नाम पे आपने स्कूल बंद कर दिए। इसी तरीके से मैंने आज स्टेटमेंट पढ़ा तो लिखता है कहते हैं ये भाजपा चाहती है कि मास्टर ही बने युवा। सीएम ने मावली में कहा
कि युवाओं को मास्टर बनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि अपने शासन में बिना सोचे समझे 150 बीएड कॉलेज खोल दिया। 150 बीएड कॉलेज नहीं खोले हैं, काफी खोले हैं, परंतु मैं ये समझती हूँ कि हमारी तो इतनी वैकेंसी है, अगर टीचर्स को भर दे, बिना टीचर्स के ना मैं यहाँ खड़ी होती, ना आप यहाँ बैठे होते, ना वो वहां बैठे होते। ये जो भी होता है, जब तक टीचर नहीं है, जब तक शिक्षा नहीं है, तब तक वो प्रदेश आगे कहीं बढ़ सकता है क्या? कोई बताओ भैया, ऐसे लोगों से क्या जवाब मांगे आप? तो पूछो मेरे को, आईटीआई कॉलेज हम लोगों ने अपने 5 साल के अंदर 496 और इन्होंने अपने 2 कार्यकाल में मैंने 10 साल के अंदर 360 खोले। एमबीए के कॉलेज हम लोगों ने अपने 5 साल में 72 खोले, इन्होंने अपने 10 साल के अंदर सिर्फ 27 और मेडिकल और डेंटल कॉलेज हमने अपने टाइम में 3 और 5 खोले, इनने खोले 0 और 0। और ये मेडिकल कॉलेज भी मेरे लिए रुका हुआ था आपका गंगानगर का कि वो आती है तो हम करार करते हैं, नहीं आप इतने दिन से कोई धरना कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई हल्ला कर रहा था, ये करार करने के मेरे लिए क्या है उनकी रुकने की जरूरत थी एक दिन पहले, ताकि गंगानगर के लोग सोचे इसी में लिप्त हो जाए और भूल जाए कि वो भी आ रही है। गंगानगर के लोग तो सब समझते हैं, वो तो सब ऊंचे दर्जे के लोग हैं, कोई नहीं है कि जो नहीं समझता है। मैं ये कहना चाहती हूं कि ये सब चीज हमारे ध्यान में आ गई है और हाँ, हम अपने बच्चों को नौकरियां देंगे, चाहे वो टीचर की नौकरी हो, चाहे वो डॉक्टर की नौकरी हो, चाहे कर्मचारियों की नौकरी हो। आज 60% कर्मचारियों की नौकरियां खाली पड़ी हुई, लाखों टीचर्स की हमें जरूरत है, हजारों की संख्या में डॉक्टर्स की जरूरत है। क्या है ये सरकार अपने जेब भरने में लगी हुई है, क्यों नहीं नौकरियां खोल के लोगों को उसमें ले आने की कोशिश करती है? मैंने अपने बच्चों को 10 लाख अपने टाइम के अंदर उनको नौकरी दी और अभी मैं देख रही हूं इन 4.5 साल के अंदर बिल्कुल ना के बराबर है जितनी नौकरी इन लोगों ने निकाल के दी है। और मैं आप लोग सबको ये कह रही हूं कि 5 साल अपनी सरकार आएगी तो सरकार के अंदर सबसे पहले नौकरी देने का काम और अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम हम लोग मिलकर आप लोगों का करके देंगे। यह मैंने सब बच्चों को विश्वास दिलाया। पेट्रोल के भाव बढ़ गए 2 रुपए बस, अभी तो आप 100 रुपए पे तो नहीं पहुंचे थे ना, अभी तो कल रात की बात है, आप लोग खाली 2 रुपए पेट्रोल बढ़े। और मैं देख रही हूं कि डीएपी के जो दाम थे 485 मेरे टाइम में, अब 1260 से 1300 रुपए तक पहुंच गए, और जो यूरिया के दाम मेरे टाइम में 280 रुपए थे वो अब 500 के बराबर पहुंच गए हैं। किसानों की तो बिल्कुल ही हालत बिगड़ के रखती है, बिजली टाइम पे नहीं है, पानी टाइम तो आता ही नहीं है, बीज आपका नकली जब आता है तब, खाद टाइम पे नहीं मिलता, फसल लेके जाता है बेचने के लिए तो मरता है। अभी मैं मध्य प्रदेश का देख रही थी तो मेरे को मालूम पड़ा कि प्रत्येक गांव सेवा सहकारी समिति इन्होंने खरीद केंद्र बना दिया है, 1800 मध्य प्रदेश के अंदर खरीद केंद्र बन गए। और ये खरीद करना क्योंकि गांव के बिल्कुल पास है तो किसान को ज्यादा खर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट वगैरह इसका सबका पैसा का उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और पेमेंट बिल्कुल ऑनलाइन और 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाता है। और SMS आता है किसान को कि आपको गेहूं खरीद का आपका टाइम आ गया है, आप आइए और अपना पैसा उठाइए, अपना गेहूं दे दीजिए, अपना पैसा उठा के ले जाइए। ये अगर मध्य प्रदेश की सरकार कर सकती है तो हम काहे के लिए हाथ में हाथ रख के बैठे? अभी क्वालिटी का झगड़ा नहीं है, मध्य प्रदेश की सरकार के पास आप अपने गेहूं को लेके जाओगे वो अपना गेहूं उठाता है, यहाँ आपके लोग कहते हैं अच्छा ये ऐसा रंग का है वैसा रंग का है इसको नहीं उठाया जाएगा, ये क्वालिटी ठीक नहीं है, ऐसा करके आधे किसानों को धक्का देते हैं। और मैंने देखा कि हमारे यहाँ खाली 380 खरीद केंद्र है, कहा 1800 और कहा 300। मैं पूछना चाहती हूँ कि किसानों की हालत यह करके रखती है कि किसान तो अब बेचारा आत्महत्या की कगार पे आके खड़ा हो गया, वो ये चिंता कर रहा है, हम उसके लिए चिंता कर रहे हैं, परंतु ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, इनको तो अभी उठने की जरूरत नहीं है, अभी उठेंगे तो अब चुनाव के टाइम के अंदर 4.5 महीने रह गए, एकदम से उठ गए कुंभकर्ण। और अब ये पूछने लगे आप लोगों से कि आपको किस चीज की जरूरत है, अरे भाइयों बता दो क्या चाहिए, हम वो सब आपको देने को तैयार हैं। हमने अभी अभी फेसबुक के ऊपर देखा, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप लोग तो फेसबुक भी देखते होंगे, फेसबुक के ऊपर एक ने लिखा मुफ्त में लैपटॉप ले लो,
मुफ्त में चावल भी ले लो, मुफ्त में साइकिल ले लो और मुफ्त में बिजली देने की बात भी आप कर सकते हैं क्योंकि चुनाव तो आ गया है, लेकिन रोजगार नहीं देंगे हमको। क्यों नहीं देंगे रोजगार? हमें किसी के टुकड़े नहीं चाहिए, हम लोग सब स्वाभिमानी लोग हैं। बच्चे कहते हैं हमारे इज्जतदार लोग हैं, हमको हमारी नौकरी दीजिए, हम कमाएंगे खाएंगे हमारे परिवार को आगे ले जाएंगे। हमें किसके साइड में? हमको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है, झोली फैलाना नहीं है, जो हमारा राइट है वो दे दीजिए, हमको हमारी नौकरी दे दीजिए। हम पढ़े हैं, लिखे हैं, बीएड किए हैं या और किसी इंजीनियरिंग के लिए किए हैं, हमको नौकरी दीजिए। राजस्थान के अंदर हम नौकरी करना चाहते हैं, हम पलायन करके गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में नहीं, पंजाब में नहीं जाना चाहते, हम राजस्थान में अपने गांव में अपने परिवार के पास रहना चाहते हैं, हमें मौका दो। फिर क्या लिखता है? फिर लिखता है देश को भिखारी बनाकर हर हाथ में कटोरा थमाकर ही दब लेंगे। बात भी सही है, ऊपर किसी को उठाने की बात ही नहीं है, नीचे किस तरीके से लोगों को लाया जाए इसी के ऊपर पूरा ध्यान लगा रहता है। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूं कि आपका सबका भाग राजस्थान के विकास में है, राजस्थान का विकास आपके द्वारा होगा तो आप सबका भी विकास होगा, यह भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। मैंने अभी पता करने की कोशिश की तो जो लोगों ने आगे चल के अभी तक नरेगा के अंदर 26 लाख लोगों को नौकरियां मिली और 26 लाख लोगों ने जो परिसंपत्तियां बनाई उस परिसंपत्तियों की वजह से राजस्थान बीमारू प्रदेश की कगार से बाहर निकला। आज 1 लाख लोगों को नौकरी मिल रही है महानरेगा में और 13,000 करोड़ ये खा गए। ऐसी नौकरी किसको मिलने वाली है भाइयों? मैं तो आप लोगों को इतना ही कहने आई हूं कि अब ये मौका आ गया है, 4-6 महीने आपके लिए बाकी बच रहे हैं कि आपके बीच में आएंगे, आपको लुभाएंगे, आपको डराएंगे। आप सबको मैं कहना चाहती हूं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, आप लोग तो ये तय करिए कि हम सब मिलके 36 के 36 गांव और सब पूरे मजहब एक साथ चलेंगे, एक परिवार के रूप में मिलेंगे, एक दूसरे के बीच में दीवार खड़ा कर जो किया है कांग्रेस ने उसको हटा के प्यार से जुड़ेंगे और हम लोग एक आवाज में राजस्थान के विकास के लिए चल पड़ेंगे। हमारे लड़के अपना रोजगार मिलेगा उनको, हमारी महिलाओं को उनकी इज्जत मिलेगी, सुरक्षित रहेगी, हमारे किसान मजबूत होंगे और हमारे व्यवसायी अपनी फैक्ट्रियां लगा लगा के यहां राजस्थान के अंदर कमाई करके राजस्थान को भी देंगे और अपने को खुद भी देंगे। ऐसा नया राजस्थान आपको खड़ा करना है। ये एक ऐसा राजस्थान एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इतनी ताकत किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, परंतु जादू है तो वो आपके हाथों में, ये ताकत आपके हाथों में है, ये सब जो मेरे सामने बैठे हैं ये आपकी शक्ति है। जरा अजमा के देखो तो सही कितना मजा आएगा। आने वाले समय के अंदर हम सब लोग मिलके इस पर एक परिवार के और एक आवाज में अगर चल पड़ते हैं तो ये राजस्थान बदलेगा, एक खुशहाल समृद्ध आगे चलने वाला विकसित राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसका नाम जब इतिहास में लिखा जाता था तो बाहर से लोग आते थे, अब फिर से लोग आएंगे इस नए राजस्थान को देखने के लिए, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हम सबका स्वाभिमान पाएगा, हमारी इज्जत बनी रहेगी, एक ऐसे राजस्थान को क्या आप लोग नहीं बनाना चाहते, बनाना चाहते ना? तो अगर हिम्मत है तो हाथ ऊपर करके बताओ, हाँ हिम्मत है, हम एक नया राजस्थान बनाएंगे, हम तैयार है उस राजस्थान बनाने के लिए। तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान। अरे मेरे पसीने आ गए, आपका भी पसीना आ गया, जोरदार नारा लगा दो, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सबको बहुत सारा प्यार और आओ हम लोग चले, साथ चले, एक नया राजस्थान बनाए, एक ऐसा राजस्थान बनाए जिसको लोग देखें।